सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तरुणी कुसुमाकर चूर्ण के बारे में। जी हाँ साथियों, तरुणी कुसुमाकर चूर्ण के फायदे कौन कौन से हैं और इसको लेने का तरीका क्या है, मैं आपको आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। साथियों, तरुणी कुसुमाकर चूर्ण का निर्माण कई आयुर्वेदिक कंपनी करती है। आप किसी भी कंपनी का ये चूर्ण ले सकते हो, सभी का काम एक ही होता है। साथियों, कब्ज को दूर करने के लिए रामबाण औषधि है यह तरुणी कुसुमाकर चूर्ण। इसके इस्तेमाल से कब्ज, चाहे किसी प्रकार का हो, कब्ज चाहे नया हो या पुराना कब्ज, सभी प्रकार के कब्ज को दूर करने के लिए बहुत ही उपयोगी है यह चूर्ण। इसके इस्तेमाल से जो पुराने से पुराना कब्ज है वो भी दूर हो जाता है। साथियों, कब्ज के कारण जो पेट के नसों में मल जम जाता है उसको निकालने के लिए ये चूर्ण बहुत ही उपयोगी है। इसके इस्तेमाल से सुबह पखाना खुलकर आ जाता है और पेट पूरी तरह से साफ़ हो जाता है। साथियों, इसके साथ साथ इस चूर्ण का इस्तेमाल जिन लोगों को पेट में हल्का हल्का सा दर्द रहता है, पेट में गैस बनती है, पेट में जलन होती है, गले में जलन होती है, सीने में जलन होती है, उसके लिए भी ये चूर्ण बहुत ही उपयोगी है। पेट से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही उपयोगी है ये चूर्ण। इसके इस्तेमाल से जो पेट से संबंधित समस्याएं होती है वे दूर हो जाती है। साथियों, चलिए बताते हैं आपको कि इस चूर्ण का इस्तेमाल किस प्रकार करना है। अगर साथियों आपको कब्ज की शिकायत है और पेट साफ़ नहीं होता है आपका, तो आपको एक चम्मच चूर्ण रात को सोते समय हल्के से गर्म पानी के साथ लेना है। या साथियों, पेट साफ़ करने के लिए एक चम्मच चूर्ण रात को सोते समय हल्के से गर्म पानी के साथ सेवन करें। अगर साथियों आपको पेट में गैस बनती है और हल्का हल्का दर्द रहता है, गले में खट्टी डकारें आती है, गले में जलन होती है, तो उसके लिए आपको सुबह शाम खाने के बाद आधा आधा चम्मच चूर्ण सादे पानी के साथ सेवन करें। या साथियों, अगर आपको पेट से संबंधित कोई और समस्या है तो उसके लिए आपको सुबह शाम खाने के बाद आधा आधा चम्मच चूर्ण पानी के साथ सेवन करना है। साथ ही इस चूर्ण का किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। अगर साथियों मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारी ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।